नमस्कार, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉक शो। क्या मोदी विरोधी अब मीडिया को टारगेट कर रहे हैं? दी ललन टॉक ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि कल केरल में जी न्यूज़ के संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पब्लिक केयर फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य शहजाद खान और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस INTUC के अध्यक्ष अजीम खान ने अमीश देवगन और उनके चैनल न्यूज़ 18 के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने के लिए शिकायत दर्ज करने की मांग की है। कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की है। क्या इन सब के पीछे कांग्रेस का हाथ है? इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिन भर की सुर्खियाँ। पहली सुर्खी, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का सामना कर रहे भारतीयों के लिए गुरुवार का दिन अच्छा नहीं रहा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देशवासियों को गैस त्रासदी जैसी विपदा का भी सामना करना पड़ा। सुबह विशाखापट्टनम के पॉलीमर फैक्ट्री में गैस लीक के चलते 11 लोगों की मौत और हजारों के बीमार होने के ठीक बाद गैस लीक के एक और हादसे की खबर आई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक पेपर मिल में गैस लीक के चलते मजदूरों के बीमार होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 3 की हालत गंभीर है और रायगढ़ के SP संतोष सिंह ने बताया कि मजदूर मिल में एक टैंक की सफाई कर रहे थे, इसी दौरान वे खतरनाक गैस के संपर्क में आए और गंभीर रूप से बीमार होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। रायगढ़ के कलेक्टर यशवंत कुमार दिन के करीब 3 बजे SP के साथ पीड़िता से मिलने पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने बताया कि मिल के मालिक ने शुरुआत में जानकारी मिलने के बाद उसे छिपाने की कोशिश की और पुलिस को सूचना नहीं दी। मिल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करने की घोषणा भी अधिकारियों ने की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के कारण मिल बंद थी। मिल मालिक मिल चालू करने के लिए सफाई का कार्य कर रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। सफाई के दौरान 7 मजदूर किसी जहरीले गैस के संपर्क में आए और बीमार हो गए। घटना के बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। बाद में इनमें से 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें रायपुर भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद फॉरेंसिक विशेषज्ञों के दल को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है, जिससे घटना के कारणों के बारे में जानकारी मिल सके। दूसरी सुर्खी, कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जरूरत की दुकानें ही खुली हैं, लेकिन कई जगह पर इस समस्या का समाधान करते हुए साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए दूध, मछली, सब्जी, फल वाले घर घर जाकर सामान बेचते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो में एक दूध बेचने वाला शख्स बाइक पर दूध की कैन रखकर अलग अंदाज में घर घर जाकर दूध बेचता हुआ नजर आ रहा है। इस शख्स ने चेहरे पर मास्क लगाए रखा है, लेकिन इस वीडियो ने बहुत लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि इस शख्स ने सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन किया है वह देखने लायक है। इस शख्स ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूध की कैन से सीधा हाथ से दूध नहीं निकाल रहा है, बल्कि पाइप के जरिए दूध निकालकर बेचता हुआ नजर आ रहा है। यह वीडियो काफी वायरल हो रही है। लोग इस पर तरह तरह के कमेंट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देश के कोने कोने में इस तरह से दूध बेचे जा रहे हैं। इस वीडियो को फॉरेस्ट ऑफिसर प्रवीण कासवान ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग के बीच यह स्थानीय प्रतिभा देखने लायक है। प्रवीण कासवान द्वारा शेयर किए गए इस फोटो पर लोग कई मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं। तीसरी सुर्खी, कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया डरी हुई है। इसी कोरोना के बीच अफ्रीकी देश नाइजर में एक ऐसा वाकया हुआ कि सब लोग के होश उड़ गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि अब दुनिया का अंत हो जाएगा। दरअसल अफ्रीकी देश नाइजीरिया की राजधानी में बड़े पैमाने पर रेत की आंधी आई। इस दौरान अचानक पूरा आसमान लाल हो गया, आकाश का रंग बदल गया। लोग इसे देखकर परेशान हो गए और डर गए। लोगों ने ट्विटर पर फोटो डालना भी शुरू कर दिया। लोगों ने लिखा कि नाइजर में रेतीले तूफान के बाद बादलों का रंग बदल गया और लाल हो गया। लॉकडाउन के बीच सोशल मीडिया पर शेयर की गई इन वीडियो को देखकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शुष्क मौसम के दिन पश्चिम अफ्रीका में धूल भरी तेज हवाएं और सैंडस्टॉर्म आते रहते हैं। इस दौरान गरज और तेज हवाओं के साथ धूल उठती है। कई बार इनकी वजह से आसमान भी लाल हो जाते हैं।